तो मंदिर तक पहुंच जाएंगे, बोटिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये है वो मंदिर, अच्छा रूम है, होटल टोरन 2200 रुपये में, अच्छा है। इससे ये व्यू है, फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है नए वीडियो में। आपको पता है अभी मैं सौराष्ट्र रोड ट्रिप पे हूँ, अब मैं द्वारका पहुँच गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ घूमने। ये हमारा जो होटल है ना उसके बिल्कुल सामने, मतलब एक मिनट भी नहीं लगता है वहाँ पे। ये जो घाट है जिसे गोमटी घाट कहते हैं, उसका पूरा का पूरा वॉकवे है यहाँ पर। और ये देखें, ये है समुंदर और ये रहा वॉक वे। अभी वहाँ पे सीधे सीधे जाएंगे तो वो रहा मंदिर, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो होटल का जो लोकेशन है वो बहुत ही बढ़िया है, अगर आपको शाम को यहाँ पे आना है, बैठना है तो आराम से आके बैठ सकते हो, ऐसा है। यहाँ से हम सीधे सीधे जाएंगे तो मंदिर तक पहुँच जाएंगे और उसके थोड़ी ही आगे गोमटी घाट है, वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। वहाँ पर पहुँच जाता हूँ गोमटी घाट पे, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? तब तक आप ये देखिए। हमारा जो होटल था वहाँ से 5 मिनट का रास्ता था, चल के हम यहाँ पे पहुँच गए गोमटी घाट। ये है गोमटी घाट का शुरुआत का हिस्सा, हम उस तरफ जाएंगे और वहाँ पर सुदामा ब्रिज भी है। ये गोमटी घाट पे आपको बोटिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। गोमटी घाट पे ये एक ब्रिज है, सुदामा ब्रिज, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, लेकिन इन लोगों ने बंद कर दिया है, 3 महीने से बंद है। गोमटी घाट पे मार्केट भी है, चलते चलते मार्केट भी देख सकते हो और अगर कुछ परचेस करना है तो भी कर सकते हो। ये रहा सुदामा ब्रिज, एक्चुअली मुझे वहाँ पे जाना था लेकिन अभी बंद है तो जा नहीं सकते। वो हादसा हुआ है जो ब्रिज गिर गया था और लोग मर गए हैं, तब से इसे भी बंद कर दिया है। अगर उस पार जाना है तो आपको बोट लेके जाना पड़ेगा। अब बच गए हैं 4:30 और हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। मंदिर की ओर जब जाओगे तो बहुत सारे आपको शॉप्स दिखेंगे, मतलब ये पूरा स्ट्रीट मार्केट है। पीछे आप जो मंदिर देख रहे हो वो है श्री कृष्ण भगवान का द्वारकाधीश का टेम्पल। तो ये है द्वारकाधीश का मंदिर, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ क्योंकि अंदर ये फोन या कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है। तो ये है वो मंदिर, 2500 साल से ज़्यादा पुराना ये मंदिर है, ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण के जो पोते थे उन्होंने ये मंदिर बनवाया था और 2500 से भी ज़्यादा साल पुराना ये मंदिर है। मंदिर में अभी हमारे दर्शन हो गए हैं, अगर आप भी दर्शन करने आओ तो ये ख्याल रखना कि 1 से 5 मंदिर बंद रहता है, तो अपना टाइम देख के यहाँ पे आना। और मंदिर के अंदर कोई भी डिजिटल आइटम, मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं अंदर के कोई भी फ़ोटो या वीडियो नहीं ले पाया। तो बाहर का जो मैंने फ़ोटो और वीडियो लिया है वो आप देख लीजिएगा। अभी शाम का टाइम है और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं गायत्री मंदिर, समुद्र के किनारे ये मंदिर है और हमारे होटल के बिल्कुल पास है। तो पहले वहाँ पे दर्शन करेंगे, उसके बाजू में सनसेट पॉइंट है, मतलब वो घाट है, तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स करेंगे। ये है गायत्री शक्तिपीठ,
इस तरफ समुंदर है, पहले दर्शन कर लेते हैं। गायत्री मंदिर में हमने दर्शन कर लिए है अभी, और वहीं से साइड से ये व्यू है, समुंदर दिख रहा है आपको। ये वॉकवे है जो सीधे घाट तक जाता है, बीच में एक चौपाटी भी है, तो आप यहाँ पे बैठ के सनसेट इंजॉय कर सकते हो, या फिर यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, ऐसी जगह है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज द्वारका में मेरा दूसरा दिन है और सौराष्ट्र रोड ट्रिप का आज 10वां दिन है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि कहाँ पे मैं रुका हूँ, तो मैं रुका हूँ होटल तोरण में। ये गुजरात टूरिज्म का ही होटल है, प्रॉपर्टी बहुत ही बड़ी है, आप देख सकते हो इस तरफ गार्डन है, ये प्रॉपर्टी एरिया है, और उस तरफ भी जा सकते हैं। कार पार्किंग के लिए भी अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी मिल जाएगा। इसका जो टैरिफ है वो हमें लगा है 2200 रुपये पर नाइट, तो यहाँ पे हम 2 नाइट के लिए रुके हैं, तो टोटल हमारा कॉस्ट हुआ है 4400। होटल अभी तक तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। तो आप भी अगर यहाँ पे आ रहे हो तो ये होटल तोरण जो है उसको एक बार सोच सकते हो। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे होटल है जो आपको चीप रेट में भी मिल जाएंगे। ये जो होटल है उसका लोकेशन बहुत अच्छा है, हम चल के सीधे यहाँ पे गीता मंदिर है जो समुंदर के पास है, और सनसेट पॉइंट भी वहीं पे है, तो हम शाम को वहाँ पे चल के जा सकते हैं, थोड़ा बहुत बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा प्लेस है। तो मुझे इस होटल का लोकेशन अच्छा लगा, होटल भी अच्छा है, आप अगर फैमिली के साथ यहाँ पे आना चाहते हैं तो एक बार सोच सकते हो, अच्छा है सब कुछ। मैं अब आपको होटल का जो रूम है वो भी दिखा देता हूँ। ये है होटल का रिसेप्शन, इस तरफ डाइनिंग हॉल है। अगर आपको लंच और डिनर करना है तो पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ऑर्डर के हिसाब से बनाते हैं। ये होटल तोरण का हमारा रूम है, सोफा दिया है, बेड दिया है, काम करने के लिए टेबल है। सब नीट एंड क्लीन है, अच्छा रूम है, होटल टोरण 2200 रुपये में अच्छा है। अब हम जा रहे हैं द्वारका के आसपास जो 3-4 डेस्टिनेशन है, शिवराजपुर बीच है, फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इसके अलावा एक रुक्मणी टेंपल है, और एक भी एक जगह है जिसका नाम मैं भूल गया हूँ। तो ये 4 डेस्टिनेशन आज हम कवर करने वाले हैं, और मैं आपको वो 4 डेस्टिनेशन दिखाऊंगा। एक चीज़ ये कि यहाँ पे अगर आपको घूमना है तो जो ऑटो वाले होते हैं उनको आप पूरे दिन के लिए हायर कर सकते हो। मैंने ये 4 डेस्टिनेशन या 5 डेस्टिनेशन घूमने के लिए ऑटो वाले को 800 रुपीस दिए हैं, वो हमें पूरा दिन घुमाएगा और फिर बाद में होटल पे ड्रॉप कर देगा। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और घूमना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आप ऑटो हायर कर लीजिए और घूमिए आराम से, या फिर यहाँ पे एक बस भी चलती है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की होती है, या गवर्नमेंट बस भी चलती है, तो वो पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं, और जितने भी डेस्टिनेशन है वो आपको घुमाएंगे। लेकिन बस का एक फिक्स टाइम होता है, आपको एक स्टॉप पे छोड़ेंगे, फिक्स टाइम देंगे, और उसके बाद तुरंत निकल जाएंगे।